दोस्तों, हमारे नाम के पहले अक्षर का बहुत ही महत्व बताया गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, व्यक्ति का नाम उसी राशि में रखा जाता है। कुल 12 राशियां होती हैं, तो आइए जानते हैं अपने नाम की राशि कैसे जाने। मेष राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मेढ़ा है। अगर आपका नाम चू चे चो ला ली लू ले लो आ अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि मेष राशि के अंतर्गत आती है। वृष राशि। वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है। अगर आपका नाम हिंदी वर्णमाला के ई ऊ ए ओ वा वी ऊ वे ओ अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि वृष राशि के अंतर्गत आती है। मिथुन राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह युवा दंपति होता है। अगर आपका नाम हिंदी वर्णमाला के की कू घा छा के को हा अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि मिथुन राशि है। कर्क राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह केकड़ा है। अगर आपका नाम हिंदी वर्णमाला के ही हु हे हो डा डी डू डे डो अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि करक राशि है। सिंह राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह शेर है। अगर आपका नाम मा मी मू मे मो टा टी टू टे अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि सिंह राशि है। कन्या राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह हाथ में फूल लिए एक कन्या है। अगर आपका नाम डो पा पी पू सा अणा ठा पे पो अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि कन्या राशि है। तुला राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। अगर आपका नाम रा री रू रे रो ता ती तू ते अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि तुला राशि है। वृश्चिक राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू माना जाता है। अगर आपका नाम तो ना नी नू ने नो या ई यू अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि वृषक राशि है। धनु राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह धनुषधारी है। अगर आपका नाम हिंदी वर्णमाला के ये यो भा भी भू धा फा णा भे अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि धनु राशि है। मकर राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ माना जाता है। अगर आपका नाम भो जा जी खी खू खे खो गा गी अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि मकर राशि है। कुंभ राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह हाथ में घड़ा लिए हुए खड़ा आदमी है। अगर आपका नाम गु गे गो सा सी सु से सो दा अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि कुंभ राशि है। मीन राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह मछली है। अगर आपका नाम दी दू था झा दे दो चा ची अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी राशि मीन राशि है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हूं दयाल, फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर।